हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं कोई बकवास नहीं करने वाली हूँ, सीधे पॉइंट पे आने वाली हूँ कि मुझे यहाँ पे नायका ने कैसे चीट किया है। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ महीनों पहले ये लिपस्टिक खरीदी थी। मैं एग्जैक्टली मंथ भी बता देती हूँ कि मैंने किस मंथ में खरीदा था। तो जून 2021 में खरीदी थी मैंने लिपस्टिक। आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने इस पर रिव्यू भी डाला हुआ है और पोस्ट किया हुआ है। वो वीडियो मैंने 27 जून को जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने हार्डली एक दो बार यूज़ की और अभी मैंने देखी कि की जो एक्सपायरी थी वो थी जैन 2022, जो पिछला मंथ था, लास्ट मंथ ही ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। ये 2019 का प्रोडक्ट था जो उन लोगों ने मुझे शिप किया है 2021 उसमें। तो ऑलमोस्ट जब इसकी एक्सपायरी नियर बाय थी, सिर्फ 6 मंथ्स ही बचे थे इसके एक्सपायर होने के लिए, तब इन लोगों ने मुझे ये वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका जो मैंने अमाउंट पे किया था वो था 359 रुपीज़। आप कोई भी जब भी लिपस्टिक खरीदते हैं तो एक दो महीना तो आप वो यूज़ ही नहीं करते हो, क्योंकि वो एकदम ब्रांड न्यू होती है। तो सेम थिंग मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि लाइक ये ब्रांड न्यू था तो इसलिए उस टाइम तो मैंने टच किया ही नहीं था। 2 मंथ तो ऐसे ही चले गए और 4 मंथ के बाद ये एक्सपायर्ड हो गई। कल मैंने जब देखा आई वॉज लाइक शॉक कि ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी है। ये 2019 मैन्युफैक्चर डेट है और मैंने 2021 में ऑलमोस्ट एंडिंग में मैंने ये बाय किया और इन लोगों ने मुझे इतना पुराना प्रोडक्ट दे दिया जो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है। एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से सुना था कि हाँ भाई, नायका कितनी बार क्या होता है जब नियर बाय एक्सपायरी डेट होती है वो वाले प्रोडक्ट शिप कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट तुम इवन दो हाफ अमाउंट पे कर रहे हो या फिर तुम 75% पे कर रहे हो, वो लाइक ज़ीरो ही हो जाता है क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला होता है। इससे तो अच्छा है कि तुम्हें सस्ते वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लो, कम से कम वो एक्सपायर तो नहीं होता। तो इस मामले में मुझे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा कि लाइक ये लोगों ने नियर बाय एक्सपायरी डेट दे दी। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। देखो भाई, नायका से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ऑलमोस्ट पाँच साल से मैं नायका यूज़ कर रही हूँ, नायका से मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ एंड आई वॉज अ वेरी हैप्पी कस्टमर। सच बोलूँ तो उनकी कस्टमर सर्विस सब कुछ मुझे अच्छे से पसंद थी। बस बीच में एक बार क्या हुआ था कि आई वॉज ऑल्सो अ प्राइम मेंबर, और उसमें क्या होता है कि जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो तुम्हें नायका की तरफ से गिफ्ट मिलता है, ठीक है, अगर तुम अपने बर्थडे मंथ पे शॉपिंग करते हो तो। हर साल मैं अपने बर्थडे मंथ में शॉपिंग भी करती थी तो उस टाइम पे मुझे वो एक गिफ्ट मिल जाता था। लाइक वो कभी पाउच दे देते थे तो मेरे पास पाउच भी है। इस बार क्या हुआ था, मैंने अपने बर्थडे मंथ पे शॉपिंग की जैसे होप करके कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उसके साथ कोई भी गिफ्ट नहीं आया एंड आई वाज लाइक क्यों नहीं आया। तो मैंने उन लोगों को, कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया कि भाई क्यों नहीं उन्होंने गिफ्ट दे मुझे भेजा, क्योंकि बर्थडे मंथ में तो जनरली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ये है। तो लोग बाय मिस्टेक ऑर्डर के साथ वो प्लेस नहीं हो पाया, क्योंकि वो गिफ्ट कूपन दूसरा भी मैंने ऐड किया हुआ था, तो मे बी शायद उस टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते टाइम ऐसा हो गया है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया और 100 रुपीज़ का मुझे कूपन दे दिया कि आप नेक्स्ट जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 100 रुपीज़ का कूपन आप रिडीम कर सकते हो। सो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज लाइक ओके फाइन, ठीक है, मैं ऐसा करूँगी। फॉर नेक्स्ट मैंने फिर से एक और बार ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद वो कूपन भी ऐड किया और फिर मैंने पेमेंट के लिए प्रोसीड किया। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया और उसके बाद पेमेंट कट गई, ठीक है। डायरेक्टली उसमें कोई भी 100 रुपीज़ ऑफ नहीं हुआ और डायरेक्टली जितना अमाउंट था उतना मेरा अमाउंट कट गया। तब मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर से मैंने ऑर्डर हिस्ट्री में गई और फिर से मैंने कैलकुलेट किया और फिर मैंने कहा शिट, इसमें तो 100 रुपीज़ ऑफ हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ। फिर से मैंने उन कस्टमर केयर वालों को बोला, कस्टमर केयर वालों ने बोला शायद टेक्निकल ग्लिच होगा, आप ये कूपन वापस से यूज़ करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर में तो हो जाएगा। मैंने कहा चल जान दो, कोई नहीं, अब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ले लूँगी, नेक्स्ट ऑर्डर में मैं डाल दूँगी। फिर मैंने थर्ड टाइम फिर से ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर मैंने प्लेस किया फिर से फुल अमाउंट कट हो गई, 100 रुपीज़ ऑफ उसमें नहीं हुआ। फिर मेरा दिमाग घूम गया, फिर मैंने थर्ड टाइम में ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कितनी बार मैं शॉप करूं जस्ट 100 रुपीज़ ऑफ के लिए। फिर से मैंने कस्टमर केयर वालों को कॉन्टेक्ट किया, दे वर लाइक आप ये कूपन फिर से यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी होगी दिसंबर तक। मेरा दिमाग लाइक मुझे बार बार प्लेस करना पड़ रहा था और जस्ट 100 रुपीज़ ऑफ के लिए, और वो इनफैक्ट अप्लाई हो नहीं रहा था, तो मेरा लाइक दिमाग घूम गया। उसके बाद मैंने भाड़ में जाए तुम्हारे 100 रुपीज़ आए, भाड़ में जाए तुम्हारा ऑर्डर, मुझे नहीं ऑर्डर प्लेस करना, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं खरीद लूँगी चीज़ें, मुझे अभी नहीं ऑर्डर प्लेस करना। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो 100 रुपीज़ वाला कूपन भी एक्सपायर हो चुका है, जान तो करके हुआ। लेकिन जब मैंने कल ये वाली लिपस्टिक दी तब मेरा और भी दिमाग ख़राब हो गया। पहले तो उन लोगों ने ये सब कांड किया, उसके बाद ये वाली लिपस्टिक ये एक्सपायर्ड वाली मुझे पकड़ा दी। सो आई एम वेरी वेरी इरिटेटेड बाय दिस नायका पीपल एट द मोमेंट, क्योंकि
फर्स्ट उन लोगों ने वो कूपन वाला इतना ज़्यादा गोलमाल किया. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो एक्सपायरी डेट के पास हैं वो वाले दे रहे हैं. भाई इससे अच्छा तो जान दो यार, इससे अच्छा ले नहीं. 359 जो मैंने ये वाले लिपस्टिक के लिए स्पेंड किए, इससे अच्छा मैं 359 का कोई दूसरी लिपस्टिक खरीदी थी जिसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती. तो ये वीडियो से एक ही टेक अवे है कि अगर आप नायका से शॉपिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े केयरफुल रहिए, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के पास वाले प्रोडक्ट भेज सकते हैं. सो बी केयरफुल विद दैट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. मैं लाइक 5 साल से शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन ये साल इस बारी ये सब हुआ तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन. अगर आपको शॉपिंग करनी है जाइए खरीदिए. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कभी भी नायका से शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ, लेकिन इस बार अब से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी स्पेशली एक्सपायरी प्रोडक्ट के लिए. मैं कितनी बार क्या होती थी एक्सपायरी डेट जो है वो चेक नहीं करती थी, अब से मैं हमेशा एक्सपायरी डेट जो भी खरीदती हूँ उसकी चेक करती हूँ. इनफैक्ट आप ही कीजिए, क्योंकि जो भी आप खरीदते हो अपना पैसा डालते हो और उसके बाद एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. सो दैट्स इट गाइस, मैं यहीं पर वीडियो रैप अप करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल है बाजू में जरूर दबाइएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.